ओम शांति। आजकल आप किसी बात से परेशान हैं? कोई बात के ऊपर आपके मन में कांस्टेंट व्यर्थ विचार चल रहे हैं? शायद आप सोच रहे होंगे किसी एक रिश्ते के बारे में, कितना वो है, उन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं करके पूछा आप कैसे हो, उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। इतना ही नहीं, मेरा बर्थडे था लेकिन बर्थडे पर न वो आए, न उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने कॉल किया फिर भी उन्होंने उसे रिसीव नहीं किया। 2 दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, मैं उनका इतना रखती हूँ, मैं उनका बहुत कुछ करती हूँ, उनके बर्थडे को बहुत अच्छा गिफ्ट देती हूँ, वो बीमार रहते तो मैं उनको पूछती हूँ, मैं हर समय उनका बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं रखा, तो अभी मैं भी उनको फ़ोन नहीं करूँगी, मैं भी उनके बर्थडे पर उनको कॉल नहीं करूँगी, मैं नहीं उनकी बीमारी पर उनको पूछूँगी। आते हैं ना ऐसे विचार, कई बार आते हैं, लेकिन ये विचार सोच सोच कर परेशान कौन होता है? ये विचार सोच सोच कर परेशान तो मैं खुद हो रही हूँ, दुखी मैं हो रही हूँ, क्योंकि मेरे विचार मुझे ही दुख या सुख देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस इसका लॉस ही हुआ। और यही विचार सोच सोच कर हम सारा दिन परेशान होते हैं। चलो, क्या हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज करें थॉट पैटर्न को। उन्होंने फ़ोन नहीं किया, इट्स ओके। उन्होंने बर्थडे को गिफ्ट नहीं दिया, शायद भूल गए होंगे। फ़ोन नहीं करके पूछा, शायद उनकी प्रायोरिटी कुछ अलग होगी, शायद उनके जीवन में और कोई बात और कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। इट्स ओके, नहीं किया, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति तो प्यार है ना, मेरे मन में उनके प्रति स्नेह है ना। क्यों? क्योंकि जब मेरे मन में उनके प्रति स्नेह है तो मैं उनके लिए जो जो करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो करे या ना करे उनकी चॉइस, वो करे या ना करे उनकी प्रायोरिटी जैसी होगी वैसी, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता है ये करने से तो ये अच्छा लगते लगते मेरे अंदर फील गुड फैक्टर शुरू हो जाएगा, और जैसे मुझे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, उनके ऊपर डिपेंड रहना है या खुद के अंदर की अच्छाई, इसको मुझे कंटिन्यू करना है? जितना हम अपनी आप की अच्छाई बार बार बढ़ाते जाएंगे, एक्सप्रेस करते जाएंगे, उतने मेरे अंदर की अच्छाई और बढ़ती जाएगी और ये अच्छाई बढ़ती बढ़ते ऑटोमेटिक वो मेरा एक गुण बन जाएगा, मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाएगा। और सच को, जब हम किसी के लिए बार बार अच्छा करते हैं ना, तो वो अच्छा करते करते मन बड़ा खुश होता है। और इसलिए आज से सिर्फ एक काम, दूसरों से मुझे नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, देने से मेरी खुशी बढ़ती है। तो करें आज ये, किसी से भी अपेक्षा नहीं, अपने मन से करते जाओ और खुशी को बढ़ाते जाओ। हैप्पी डे।